अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स आज तक के नए प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदेद। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां दूसरे शोबा आए ज़िंदगी और इनसे मुतलिक अफराद मुतासिर हुए हैं, वहीं पर ब्लाइंड क्रिकेटर्स भी मसाइल का शिकार हैं। इसी बात का अदराक करते हुए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल ने कौमी क्रिकेटर्स के मौशी मसाइल को हल करने के लिए एक इंतहाई अहम कदम उठाते हुए 17 कौमी खिलाड़ियों को एजाजिया देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट कौंसिल की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2020 तक के लिए मुंतखब शुदा एजाजिए की फहरिस्त में ए कैटेगरी में 2 खिलाड़ी, बी कैटेगरी में 4 जबकि सी कैटेगरी में 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कैटेगरी ए में मोहम्मद राशिद और बदर मुनीर, कैटेगरी बी में मोहम्मद एजाज, निसार अली, मोइन असलम और फैसल महमूद शामिल हैं, जबकि कैटेगरी सी में रियासत खान, शाहजेब, हैदर, नेमतुल्ला, मोहम्मद जफर, जैन अशरफ, फखर अब्बास, अनीस जावेद, मतीउल्ला, गुलशेर, सनाउल्ला खान और शफीउल्ला को शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह ने कहा है, कौमी खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिजिकल फिटनेस टेस्ट 6 से 15 जुलाई तक हुए। इसी फिजिकल फिटनेस की बुनियाद पर ये एजाजिए देने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से खेलों की सरगर्मियां फरवरी से मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से कौमी ब्लाइंड क्रिकेटर्स मुआशी मसाइल का शिकार थे। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल ने 17 खिलाड़ियों को 1 जुलाई से दिसंबर 2020 तक 6 माह के लिए फिजिकल फिटनेस की बुनियाद पर एजाजिया देने का फैसला किया है। इन्होंने कहा कि फिजिकल फिटनेस में 40 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। इन 40 खिलाड़ियों में से फिजिकल फिटनेस पास करने वाले 17 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। तीनों कैटेगरीज के खिलाड़ियों को बिला तरतीब 15,000, 12,000 और 10,000 रुपये महाना एजाजिया दिया जाएगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल का ये इकदाम बिलाशुबा बहुत शानदार है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि बाकी 23 खिलाड़ी जो फिजिकल फिटनेस के मेयार पर पूरा नहीं भी उतर सके, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल इन पर भी मेहरबानी करते हुए महाना कुछ ना कुछ देने का ऐलान करे। उम्मीद करते हैं कि इन क्रिकेटर्स के लिए भी कोई बेहतरीन इकदाम किया जाएगा।